खिलाफ साजिश रच रहा पाकिस्तान। एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा। भाजपा ने बैक को दिए अलर्ट रहने के आदेश। पाकिस्तान एलओसी पर भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। चीन की शह पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलने की तैयारी में। पाकिस्तान ने पुंछ जिले की सीमा के उस पार बड़ी संख्या में हथियार और सेना के जवानों को तैनात कर दिया है। इनके पास चीन से खैरात में मिले अत्याधुनिक हथियार, मोर्टार, हैवी शेल्स और तमाम घातक असलहे भी रिपोर्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के पास के गाँव को भी खाली करवाना शुरू कर दिया है, जो इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिक भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना चीन की शह पर एक तरफ तो एलओसी पर भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन के साथ डिफेंस ड्रिल करके भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। सरहद पार पाकिस्तानी सैनिकों की इस कार्रवाई को देखकर भारत ने भी सीमा की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। एलओसी पर भारतीय सीमा में तैनात भारतीय जवान पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय स्नाइपर्स जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी मैगजीन फुल कर चुके हैं। निगाहें सिर्फ पाकिस्तानी टट्टुओं पर हैं। उधर जरा सी हरकत हुई, इधर धाएं धाएं से गोली चलेगी और पाकिस्तानी बैट का शोल्डर ढेर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले के खड़ी करमाना और देगवार सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा देखा गया है। पाकिस्तानी इलाके के तोली पीर में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के खिलाफ चोरी छिपे ड्रिल चला रखी है। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के नजदीक जवानों का जमावड़ा और आधुनिक हथियार इकट्ठे कर रही है। भारत के खिलाफ साजिश रचने में महारथी पाकिस्तान ने इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी लगाई हुई है। तोली पीर इलाके के नजदीकी गाँव से गाँव वासियों को जबरन निकाल कर गाँव को खाली करवाया गया है। गाँव वासियों को तहसील बाग में भेज दिया गया है। तोलीपीर इलाके में पाकिस्तानी सैनिक हरकत में हैं। पाकिस्तानियों की यह हरकतें भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। इस बात की तस्दीक इलाके के लोग भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये तैयारी है हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना और अन्य किसी मित्र देश की सेना के साझा युद्धाभ्यास के लिए। और यहाँ पर ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीन, जो उसे दोस्ती के नाम पर भारत के खिलाफ अपना प्यादा बनाए हुए है। पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया। सेना ने यहां बसे लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग पाकिस्तानी सेना के कहने के बाद भी वहां से नहीं निकले, उन्हें जबरन निकाल कर तहसील बाग में भेज दिया गया। जब तक नए आदेश नहीं जारी होते, तब तक लोगों को तोलीपीर इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। शांति की आड़ में पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास जैसी टैक्टिक्स अपना रही है। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना एलओसी से सटे हुए रिहायशी इलाकों में वहां बसे लोगों को जबरन खदेड़ कर अपने बंकर और कैंप लगाने में जुटी है। खुद पीओके के नागरिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पाकिस्तानी सेना के इस नापाक हरकत का पर्दाफाश किया है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में पीओके का रहने वाला एक शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती अपना डेरा जमा लिया है और उन लोगों को मारपीट कर वहां से भगा दिया है। 2 मिनट और 3 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना की करतूत से पर्दा हट गया है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तानी सेना ने 4 टेंट गाड़ दिए हैं। टेंट के अंदर क्या है ये तो साफ साफ पता नहीं चल रहा है, लेकिन टेंट के बाहर डिश टीवी की छतरी और वॉश बेसिन जरूर लगा दिख रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पीओके के रावलापुर सेक्टर की तोलीपीर तहसील का है। ये इलाका एलओसी से सटा हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की तरह अपनी लोकेशन तैयार कर रही है, यानी रिहायशी इलाकों के बीच अपनी छावनी तैयार कर रही है, ताकि जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करे तो पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान हो और ऐसा होने पर भारतीय सेना पर पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बनाने की तोहमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मढ़ी जा सके। ये साजिश ठीक वैसी ही है जैसा हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष में आतंकी संगठन हमास ने किया था। हमास ने अपने अड्डे फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों में बना रखे थे और वहीं से इसराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा था। जब इसराइल की सेना जवाबी कार्रवाई कर इन अड्डों पर मिसाइलों से हमला करती थी तो वहां रह रहे नागरिक हताहत हो रहे थे और इन मासूम नागरिकों के हताहत होने के वीडियो हमास फिर सोशल मीडिया के जरिए इस्लामिक देशों में भेज रहा था, ताकि सभी इस्लामिक देश इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं।
लेकिन इसराइल ने हमास की नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। यही वजह है कि फिलिस्तीन जल्द ही संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया था। इसके आगे की कहानी भारत के लिहाज से बेहद गंभीर खतरे वाली है, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चीन की सेना भी तैनात है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में कुछ अंडरग्राउंड कंटेनमेंट्स भी बनाए हैं। इन एस्टेब्लिशमेंट्स पर ईंधन के साथ ही बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में विध्वंसक हथियारों को भी स्टोर करके रखा गया है। ये हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया करवाए हैं, जिनका इस्तेमाल दोनों देशों की सेनाएं सघन रूप से भारत के खिलाफ करने की साजिश रच रही है। इससे पहले चीनी सेना यानी पीएलए के कई बड़े अधिकारी पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने के लिए गुपचुप तरीके से पाकिस्तान भी आ चुके हैं, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है। सीमा पर बढ़ती हलचल को देखकर भारतीय सेना के जवानों ने भी चौकसी पहले से अधिक बढ़ा दी। इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम पर भी समझौते पर अमल करने की सहमति बनी थी। तब से अब तक एनओसी पर खामोशी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो बार फायरिंग हो चुकी है। अब पाकिस्तान के संदिग्ध हरकत से आशंका है कि एनओसी पर फिर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इन सब घटनाओं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की साजिशों पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुहर लगा दी है। बाजवा ने मंगलवार को पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल से एलओसी पर किसी भी स्थिति के मद्देनजर ऑपरेशनल तैयारियों के हाई स्टैंडर्ड को बरकरार रखने को कहा है। बाजवा ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तैनाती और चौकस करने को कहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा दो दिन की 78वीं फॉर्मेशन कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उसने भारत के खिलाफ बन रही साजिशों को घार देने के पाकिस्तानी आर्मी को निर्देश दिए। इतना ही अफगान शांति प्रक्रिया की आड़ में बाजवा ने पाकिस्तान की सेना को चीनी सैनिकों के साथ मिलकर भारत को टारगेट करने का टास्क भी दे दिया। बाजवा ने कहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों और उभरते हुए खतरों के जवाब में अपनी रणनीति तैयार रखें। यहाँ पर ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि पाकिस्तान किस देश को अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की से जलता है, और उसकी जलन की आग में चीन ने उकसावे का घी डालकर उसे अपना मोहरा बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को अभी नहीं समझने वाला, लेकिन जब तक पाकिस्तान को अकलाएगी तब तक वो अपना सर्वनाश कर चुका होगा। तब ना तो चीन उसके काम आएगा, ना तो वो चीन के किसी काम का बाकी रहेगा।